के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक सेल्फ वाटरिंग सिस्टम घर पर ही कैसे बना सकते हैं। सेल्फ वाटरिंग सिस्टम की जरूरत तब पड़ती है जब छुट्टियों में हमें घर से बाहर जाना पड़ता है, जिसके कारण पौधों को पानी नहीं मिल पाता है और पौधे या तो मुरझा जाते हैं या सूख जाते हैं। सेल्फ वाटरिंग सिस्टम लगाने के बाद जब आप अपनी छुट्टियों से वापस लौटेंगे तो आप अपने पौधों को हरा भरा पाएंगे। नमस्कार, आपका नियर टू ऑर्गेनिक में स्वागत है। यहाँ पर आपको अपनी घर की छत पर गार्डनिंग करने संबंधित कई आइडियाज, टिप्स, कम जगह में कैसे ज्यादा सब्जी लें, अपने किचन गार्डन में अच्छी सब्जियां कैसे लें और गमलों में सब्जियां कैसे लगाएं, इन सभी से संबंधित जानकारियां मिलेंगी। सेल्फ वाटरिंग सिस्टम बनाने के लिए आपको एक खाली प्लास्टिक की बोतल की जरूरत पड़ेगी और एक प्लास्टिक की ट्रे की भी जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पर 1 लीटर की बोतल का उदाहरण आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ज्यादा पौधों के लिए वाटरिंग सिस्टम बनाना हो या ज्यादा दिनों तक पौधों को पानी सप्लाई करनी हो तो आप अपनी सुविधा अनुसार बोतल या डिब्बे का चुनाव कर सकते हैं और ट्रे का साइज भी उसी के अनुसार रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम प्लास्टिक बोतल खाली है जो कि और एक ट्रे से कैसे एक अपना पौधों के लिए और गमलों के लिए एक वाटरिंग सिस्टम बना सकते हैं। आइए देखते हैं। सेल्फ वाटरिंग सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोतल ले लेंगे, उसमें करीब 5 से 8 सेंटीमीटर का एक गोला बना लेंगे। इसमें हमको छेद करना है ताकि पानी इसमें से आसानी से निकल जाए। जैसा आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक 7 से 8 mm डाया का एक छेद बनाया है जो कि पानी निकलने के लिए पर्याप्त है। अब हम इसको गमलों के साथ ट्रे में रख देंगे। बोतल में होल करने के बाद प्लास्टिक ट्रे को किसी खुली जगह पर रख दीजिए। अगर आपके पास इंडोर प्लांट्स हैं तो आप ट्रे को घर के अंदर भी रख सकते हैं। जिस गमले या कंटेनर को आप ट्रे में रखने वाले हैं उसके निचले हिस्से में होल सही होना चाहिए। इस ट्रे में आप कोई भी पौधे वाला गमला या कंटेनर रख दीजिए। इसके बाद ट्रे में इतना पानी डाल दीजिए जितना कि बोतल में किया गया होल पूरा डूब जाए। अब बोतल के ढक्कन को अच्छी तरह से टाइट बंद करें और होल किए गए जगह से पानी भर लीजिए और बोतल को ट्रे में रख दीजिए। मैं आपको ट्रे का कुछ पानी निकाल के बताऊंगा कि ये तरीका काम कैसे करता है। जब ट्रे का पानी कम होगा तो बोतल में से पानी धीरे धीरे ट्रे में आ जाएगा।
आपकी एक लीटर वाली बोतल एक गमले के लिए 4 से 5 दिन तक चलेगी। और जब आप छुट्टियां बिताकर वापस घर आएंगे तो आपको पौधा हरा भरा और तंदुरुस्त मिलेगा। मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए आप ट्रे को किसी पुरानी मच्छरदानी के टुकड़े या पतले कपड़े से ढक सकते हैं। पतले कपड़े से ढकने पर ट्रे में काई भी नहीं जमेगी। ऐसी ही कई मजेदार गार्डनिंग टिप्स, गार्डनिंग आइडियाज और कम जगह में ज्यादा सब्जी लगाने से संबंधित जानकारियां पहले प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी सब्सक्राइब करने से हर महीने 2 से 3 नए वीडियो सीधे आप तक पहुंच जाएंगे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो नीचे जाके कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपका कोई परिचित गार्डनिंग में रुचि रखता हो तो उससे ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नियर टू ऑर्गेनिक में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।